ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अभी काफी दिनों से भिन्न संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल हमने इसके दो इबारती प्रश्नों को हल किया था, उसी में आज फिर हम दो प्रश्नों को हल करेंगे, इनको समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े होते हैं, एक लंबा तार है, 2 मीटर तार के 7/8 मीटर लंबा तार है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो इनमें से आपको एक टुकड़े का माप आपको दे रखा है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी वह आपको निकाल कर बतानी है। तो हम इसको हल कर रहे हैं सवाल को। सबसे पहले तो तार है हमारे पास, तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई ये हमें दे रखा है 7/8 मीटर। 7/8 मीटर ये हमारे टोटल तार की लंबाई है। अब इसको टुकड़े करने के बाद इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है, तो इसमें से एक टुकड़े की लंबाई, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई वो आपको दे रखी है 1/4 मीटर। 1/4 मीटर अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, दूसरे टुकड़े की लंबाई। तो हम यहां लिखेंगे अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई, यानी तार की टोटल लंबाई में से हम जो ये एक टुकड़ा है उसकी लंबाई को घटा देंगे, घटाने पे जो आएगा वो हमारा दूसरे टुकड़े की लंबाई निकल जाएगी। तो हम 7/8 मीटर में से 1/4 मीटर घटा देंगे। अब संख्याओं को देखने पता चलता है कि दोनों विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं के जब जोड़ या घटाव करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के हरों को समान बनाएंगे या हम दोनों हर संख्याओं का लघुतम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लघुतम। तो हर संख्या हमारे पास में 8 और 4, इसका आपको अगर लघुतम निकालना है तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 8 में भाग लगाएंगे 2 का तो गया 4 बार और 4 में गया 2 बार, फिर 2 का बार, 2 × 4 2 × 2, फिर 2 का 2 × 1 और 1 का 1, तो संख्या ले गई 2 × 2 × 2, गुणा करेंगे तब 2 × 4 और 4 × 8, यानी कि हमारा लघुतम आया 8। और बाकी तरीका आपको पता ही है, हम कल सवाल कर चुके हैं, हम हर संख्या का भाग लघुतम में लगाते हैं और लघुतम में भाग लगाने के बाद जो आंसर आता है उसको हम अंश से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर संख्या 8 है, 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 8 × 1 कितनी बार गया, 1 बार। अब ये जो 1 आया है, इस 1 को हम अंश जो हमारा दे रखा है 7, इस 7 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह अपनी जगह पे। फिर दूसरी जो संख्या है भिन्न हमारी, इसका हर है 4, इस 4 का भाग हम 8 में लगाएंगे, इस 4 का भाग हम 8 में लगाएंगे तो 4 × 4 4 × 8 कितनी बार गया, 2 बार। अब ये जो 2 आया है, इस 2 को हम इस अंश जो है 1 इससे गुणा कर देंगे, 1 × 2। अब गुणा किया 7 को 1 से किया, 7 × 7 माइनस 2 को 1 से किया, 2 × 2 2/8 मीटर। अब आपको घटाव करनी है तो 7 में से 2 कम कर दीजिए, 7 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 5, 5/8 मीटर। तो इस प्रकार हम सवाल का जो दूसरे टुकड़े की लंबाई पूछी थी वो हमने निकाल दी। तो हम नीचे लिखेंगे अतः दूसरे
टुकड़े की लंबाई बराबर 5/8 मीटर, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं की जोड़ या घटाव के इबारती प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसी में प्रश्न नंबर 2, ये कह रहा है नंदनी का घर उसकी स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पर है, यानी उसके स्कूल से घर की दूरी बता रखी है 9/10 है। अब वह कुछ दूर तो पैदल चलती है, कुछ दूरी पर पैदल चलती है, फिर 1/2, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी किससे करती है, बस द्वारा तय करती है, फिर वो स्कूल पहुंचती है। तो इसने आपसे पूछा है कि वो स्कूल पैदल दूरी कितनी चलती है, ये आपको निकाल के बताना है। तो 3 बातें इसके अंदर, सबसे पहली स्कूल से घर की दूरी 9/10, इतनी लंबी दूरी कहते हैं, 2 चीजों दूरी तय करती है, एक तो पैदल चलती है और फिर वो बस के द्वारा तय करती है। तो 1/2 किलोमीटर बस से तय कर रही है तो वो पैदल कितना चली, वो आपको निकाल के बताना है। तो इस सवाल को सबसे सरल तरीका, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी टोटल आपको दे रखी है 9/10 किलोमीटर। अब वो इस दूरी में से, इसमें से बस द्वारा, इसमें से बस द्वारा तय दूरी, तो बस के द्वारा तय दूरी करती है वो 1/2 किलोमीटर। ये 2 चीजें आपको सवाल में दे रखी है, घर से स्कूल की दूरी और बस द्वारा तय की गई दूरी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पैदल तय की गई दूरी। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से बस द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे। टोटल दूरी में से बस द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे, जो हमारे पास शेष बचेगा वो पैदल दूरी आ जाएगी। तो सवाल स्वयं के साथ इसी प्रकार का बन गया। अब सबसे पहले हम दोनों हर संख्याओं को समान करने के लिए इन दोनों का लस ज्ञात करेंगे। तो 10 और 2, सबसे पहले सबसे छोटा 2, 10 का 10 में भाग लगाया 5 बार और 2 में लगाया 1 बार, फिर 5 का 5 एकम 5 और 1 का 1, तो संख्या बची हमारे पास 2 × 5 गुणा करने पे 10, यानी हमारा लस यानी लघुतम निकला 10। बाकी तरीका पता है आपको सबको कि हर संख्या का भाग लगाएंगे और जो आएगा उसको अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम 10 का भाग 10 में लगाते हैं तो 1 बार, अब ये जो 1 आया इस 1 को हम अंश से क्या कर देंगे, गुणा, तो 9 × 1 माइनस। फिर दूसरी भिन्न संख्या का हर है 2, 2 को हम 10 में भाग लगाएंगे तो जाएगा 5 × 10 5 बार, अब ये जो 5 आया है हम इसके अंश से गुणा कर देंगे तो इसका अंश है 1, तो 1 × 5, तो 9 को 1 से गुणा किया 9 माइनस 5 को 1 से किया 5 × 5/10 किलोमीटर। अब देखिए 9 में से 5 घटाया 4/10 किमी। अब देखिए 4 और 10 दोनों भाज्य संख्या है, इस 4 और 10 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अगर इसमें 2 का भाग लगाएं तभी गया 4/10 किलोमीटर। इसके अंदर 2 का भाग लगा, 4 बार का चिन्ह 2, 10 बार का चिन्ह 2, तब 2 का भाग 4 में तो गया 2 × 4 और ये गया 5 × 10, तो हमारा आंसर आया
2/5 किलोमीटर जो कि आपका उत्तर है। और इस प्रकार आप किसी भी भिन्न सवालों के जोड़ या जोड़ के सवाल हमने कल किए थे, आज हमने घटाव के सवाल कर लिए, इन दोनों सवालों को अपनी कॉपी में नोट करो, हल कीजिए और फिर इसको बिना देखे खुद समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।